हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट मैक्सिम्स भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आप मैटर देख रहे हैं वो हिंदी में है, बट साइड बाय साइड मैं इसे इंग्लिश में भी आपको बताते चलूँगी, जिससे होगा क्या कि जो इंग्लिश, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो ईजी होगा क्योंकि पूरा मैटर आपका हिंदी में है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जहाँ पर भी लगेगा कि हाँ यहाँ ट्रांसलेशन की ज़रूरत है या उसका मीनिंग एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो वहाँ मैं क्लियर कर दूँगी। तो जस्ट बिकॉज आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप ये वीडियो स्किप मत करिएगा। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल वीडियो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स और कुछ लीडिंग केस प्लस कौन से वहाँ पे जस्टिस ने जजमेंट दिया था, क्योंकि ये कई बार पूछता है, तो ये आप प्लीज़ इसको देखिएगा, ठीक है ना। पहला केस है बरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, यानी कि बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, ठीक है। इसे हम पोस्ट मास्टर केस भी कहते हैं। इसका एक और नाम है शंकरी टोला का केस, ठीक है। तो ये आपका बेस्ड है सेक्शन नंबर 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, ये याद रखिएगा। बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर पोस्ट मास्टर, ठीक है, शंकरी टोला भी कहते हैं। महबूब शाह वर्सेस एम्परर सिंधु नदी का वाद, यानी कि ये था आपका, इसे इंडस रिवर केस भी कहते हैं। स्टेट बनाम नलिनी, ठीक है, तो ये राजीव गांधी असैसिनेशन केस से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना होगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस स्टेट वर्सेस नलिनी का जो केस था वो सेक्शन 52 आईपीसी जो हार्बरिंग की बात करता है उस पर भी बेस्ड है। केहर सिंह वर्सेस दिल्ली, इंदिरा गांधी असैसिनेशन का केस है ये। केहर सिंह के बेसिकली इसमें कहा गया था कि तिहाड़ जो जेल है वहाँ पे भी कोर्ट बैठाई जा सकती है, वो इलीगल नहीं होगा, ठीक है। तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 140A जो था वो इससे आया था। काफ़ी ज़्यादा इस केस में जो अक्यूज्ड थे उनको अक्विट कर दिया गया था, तो काफ़ी केओस क्रिएट हो गया था। उसके बाद जो था अमेंडमेंट किया गया और अब जो प्रेजेंट लॉ है रेप केस में ये वो ये है कि अगर कोई भी विमेन ये अक्यूज़ेशन लगाती है कि उसके साथ रेप हुआ है, तो उस केस में अगर मेडिकल रिपोर्ट से ये प्रूव हो जाता है कि देर वॉज एनी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो और अगर लड़की ने ये बोल दिया कि उसकी कंसेंट नहीं थी, तो ये एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हो जाएगा। 114A में शैल टर्म का इस्तेमाल है, तो ये एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हो जाएगा और इसको रिवर्ट करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है यहाँ पे कोर्ट अपना डिस्क्रिशन नहीं इस्तेमाल कर सकता है, यही प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और फैक्ट में अंतर होता है। तो कराम का जो केस है आपको याद रखना होगा, 1983 अमेंडमेंट से 114A ऐड हुआ था इंडियन एविडेंस एक्ट का। महाराष्ट्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुखदेव, ये जनरल एसएस वैद्य का जो केस है उससे रिलेटेड है। आर वर्सेस एर्नोल्ड वाइल्ड बीस्ट टेस्ट है ये, ठीक है, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट है, वाइल्ड बीस्ट परीक्षण हिंदी में, ये सेक्शन 84 आईपीसी पे है, ठीक है। फिर हैफील्ड वाद है, फिर बाउलर का केस है। इसमें गलत और सही में डिफ्रेंशिएट करने का जो मैटर था वो कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था, ओके तो ये जो कुछ लीडिंग केस है आईपीसी का जो मैंने आपको बताया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स देखते हैं। इग्नोरेंशिया फेसिट एग्जुसैट, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जुसैट। तो अब हम इस टर्म से, इस मैक्सिम से बहुत यूज टू हो चुके हैं, क्लियरली समझ में आ रहा है। फेसिट का मतलब फैक्ट, ज्यूरिस का मतलब लॉ। तो अगर आपको फैक्ट का मिस्टेक हुआ है तो वो माफ़ किया जा सकता है, बट लॉ का मिस्टेक माफ़ नहीं किया जा सकता। तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, यह है आपका सेक्शन 76। डोली इनकेपैक्स, ठीक है, अपराध करने में असक्षम, एब्सोल्यूट यहाँ पे इम्यूनिटी मिलती है सेक्शन 82, जिसे इनफैनिसी भी कहते हैं। 7 साल या 7 साल से, क्योंकि अगर आप आईपीसी का सेक्शन 82 पढ़ेंगे तो वहाँ पे 7 साल से कम बच्चे की बात की गई है, बट 7 साल तक का जो बच्चा है वो भी डोली इनकेपेक्स होता है, वो कोई भी ऑफेंस करे
तो वो ऑफेंस की वो कोई भी एक्ट करे जो जनरल किसी और के लिए वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, बट उस बच्चे के लिए वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। डोली कपैक्स अपराध करने में सक्षम, ये क्वालिफाइड इम्यूनिटी यहाँ मिलती है। यहाँ पे जो 7 साल से ज़्यादा 12 साल से कम बच्चे का, यहाँ पे सेक्शन 83 है, तो यहाँ पे उस बच्चे का एक्ट देखा जाएगा कि उसको अपने एक्ट का कंसिक्वेंस पता था कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 11 साल का बच्चा चोरी करता है मोबाइल फ़ोन और तुरंत ले जाके बेच देता है, तो इसका मतलब उसको अपने एक्ट का नेचर पता था। नॉन कॉम्पस मेंटिस, अभियुक्त विकृत मस्तिष्क का है, ठीक है, सेक्शन 84 इंसैनिटी पे है। वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया, ठीक है, जो सम्मति देता है उसे क्षति नहीं पहुंचाते हैं, तो ये आपका जो सेक्शन है वो 87, 88, 89 है। एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस, मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है, सेक्शन 94 इंडियन पीनल कोड। डिमिनिस नॉन क्यूरेट लेग्स, विधि तुक्ष बातों पर ध्यान नहीं देती है, ठीक है, सेक्शन 95। छोटी छोटी बात जो है उस पर आप जनरली अगर किसी ने हल्का सा किसी को पुश कर दिया, हल्का सा, कुछ हर्ट तक की कैटेगरी में भी नहीं आया, तो उस केस में ये बहुत छोटी सी चीज़ है, उसके लिए कोई केस नहीं कर देता है। ओवर्ट एक्ट, ठीक है, ओवर्ट एक्ट 120A, ओवर्ट एक्ट मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी जब आप करते हैं, तो जब आप किसी इलीगल एक्ट, जो उस इलीगल एक्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, जो उसमें तीन चीज़ आती हैं, ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ, समथिंग विच प्रोड्यूसेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, तो ऑफेंस को छोड़ के बाकी दो कैटेगरी में आने वाले एक्ट के लिए अगर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी करते हैं, तो वहाँ मियर कॉन्स्पिरसी इज़ नॉट पनिशेबल जब तक आप कोई प्रकट कार्य यानी कि ओवर्ट एक्ट ना करें। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, विरल से विरलतम, सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड, ये है आपका सज्जन सिंह का केस, कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही डेथ पेनाल्टी दी जा सकती है, ठीक है। सुसाइड पैक्ट, आत्महत्या का गठबंधन, ठीक है, ये है आपका 307। एडिक्शन सिंप्लिसिटर, साधारण अपहरण, ठीक है, 362। एक्टस नॉन फेसेट्रियम, निसी मेंसेट्रिया, कार्य स्वयं में दोषी नहीं है जब तक उसका आशय ऐसा ना हो, ठीक है, ये कहा गया था शिराज रत्सन के केस में, कि जब तक पर्सन का गिल्टी माइंड नहीं है तब तक वो अक्यूज्ड नहीं बन सकता है, ठीक है। कुछ ये टर्म्स हैं आपको याद रखना होगा, कल्पा का मतलब होता है अपराध, तभी हम कहते हैं कल्पेबल होमोसाइड। डोलस करने योग्य, इन कोइट ऑफेंस, अपूर्ण अपराध, जैसे अटेम्प्ट हो गया, अबेटमेंट हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी, जब ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी करते हैं तो उस केस में इनकोएट एफेंसी ऑफेंस होता है। निल रिटर्न, प्रारंभिक अपराध, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देखते हैं और उनके जस्टिस का नाम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला वरिंद्र कुमार घोष का, सेक्शन 34। किसने इसको लीड किया था, किसने जजमेंट दिया था, लॉर्ड समनर ने, ठीक है, शराज वर्सेस रुद्सन, ठीक है, इसमें जस्टिस राइट थे, ये मेंसरिया से रिलेटेड केस है, याद रखना है। हॉब्स वर्सेस विंस्टर कॉरपोरेशन, यहाँ पे जस्टिस कैनेडी थे, ये भी मेंसरिया दुराशय से है, ठीक है। नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें जस्टिस सुब्बा राव थे, ये भी इंटेंशन से रिलेटेड है, मेंसरिया से। मैकनॉर्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जस्टिस टिंडल थे, सेक्शन नंबर 84 इंसैनिटी। रेगिना बनाम देहाती, इसमें जस्टिस स्टीफन थे, सेक्शन नंबर 85 जो है इनवॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेशन की बात करता है। डीपीपी वर्सेस वियर्ड, ठीक है, इसमें जस्टिस विफन हेड थे, ये भी इनवॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है। वासुदेव बनाम स्टेट ऑफ पेप्सो, ठीक है, चंद्रशेखर अय्यर जस्टिस वॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेशन, सेक्शन 86। देव नारायण बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, आईडी दुआ, सेक्शन 102, ठीक है। आर वर्सेस गोविंदा, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस मेलविल, 200 और 300 में डिफ्रेंसिएशन। बरकत उल्ला मामला, ठीक है,
इसमें जस्टिस ब्लाउडिन थे, इसमें भी 299 एंड 300 में डिफरेंस था। इंदर सिंह वर्सेस लाहौर, दिलीप सिंह, जस्टिस दिलीप सिंह, इसमें भी 299 300 में अंतर था। आर पुनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, जस्टिस सरकारिया, 299 और 300 में डिफरेंस था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स केस लॉस थे, आप इसको याद रखिएगा, प्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने इंग्लिश में भी इसको बता दिया, तो आई होप आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इशू नहीं होगा। और हिंदी मीडियम के बच्चों को अगर इनकेस इंग्लिश का कोई टर्म ना समझ में आया हो, तो आप हिंदी का एक पूरा मटीरियल है, आप इसका स्क्रीन शॉट लेके इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।